जय श्री राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। तो कैमरामैन, पहले तो तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने सारे फॉलोअर्स का हमको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब देश भर के अंदर हमारा नाम हो रखा है, जिसके अंदर कई ऐसे ज्वेलर्स भी हैं जो हमको फॉलो करने लग गए हैं और बोलते हैं कि भैया आप हमारे आइडल हैं। आपकी देखा देखी अब कुछ ज्वेलर्स ने मेकिंग चार्जेस भी कम कर दिए, अपना मार्जिन भी कम कर दिया है। बहुत सारे ज्वेलर्स अब 9/16/22 कैरेट HUID पास हॉलमार्क जेवर को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे वो लोग चाहते हैं कि हम इनकी तरह बने, तो वैसे हम भी चाहते हैं कि हम भी, हमारे एक आइडियल है कि हमें इनकी तरह आगे भविष्य में बढ़ना है। तो आपको यही बोलना चाहेंगे कि जिस भी इंसान के जीवन में संतोष आ जाता है ना कि मेरे को तो सेटिस्फाइड है, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए फलाना डिकाना, तो उनको बता दें वो उस हिसाब से उस स्पीड से आगे बढ़ते हैं। बट अगर जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं अपने काम के अंदर, और जिनके अंदर एक हमेशा जुनून रहता है ना, एक आग लगी रहती है, वो हमेशा और आगे बढ़ते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स या फिर अडानी जी, ये इतने बड़े बड़े महान हस्ती हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो इनकी पैरों की धूल भी नहीं है। आज की डेट में जब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये देखिए कि जरूरत नहीं है मेहनत करने की, 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं, बट फिर भी ये लोग मेहनत कर रहे हैं। शाहरुख खान आज भी मेहनत कर रहे हैं, सलमान खान आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि इंसान कितनी भी बुलंदियों पे चला जाए, अगर आपके जीवन में संतोष आ गया ना, आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन आ गया, तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे। कभी ये सेटिस्फैक्शन, कभी ये संतोष मत आने दीजिए। भगवान का शुक्रिया अदा करिए, खुश रहिए, मगर हमेशा आगे बढ़ने की आग को बरकरार रखिए। तो उसी के साथ हम नई वैरायटी भी लेकर आए हैं, तो आप भी आ जाइए जल्दी से गिरी जेवर महल।